यूपी फिजिक का रिजल्ट आ चुका है और सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको एक आइडिया मिल जाए कि किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें अपने स्कोर के हिसाब से। तो इसके लिए 2022 का जो मेरिट लिस्ट था डीयू का वो लेकर आ गया हूं और इसमें आपको एक आइडिया साथ में ही मिलेगा कि डीयू के टॉप कॉलेज कौन से हैं, टॉप स्कोरर्स कौन से कॉलेज को अपना प्रेफरेंस रखते हैं। तो चलिए देखते हैं और इसके साथ ही आपको दूसरी यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करने का एक आइडिया मिलेगा कि किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करें अपने स्कोर के हिसाब से। तो देख सकते हैं जो पहला प्रेफरेंस था हिंदू कॉलेज था वो और 285 हाईएस्ट स्कोर था रिजर्व कैटेगरी में, और फिर हिंदू कॉलेज 283, मिरांडा हाउस डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, लेडी श्री राम कॉलेज, लेडी श्री राम कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, हंसराज कॉलेज 250 पे मिला है। वहीं जीजस एंड मैरी कॉलेज 249 पे, हंसराज कॉलेज 248 पे, रामजस कॉलेज किरोरीमल कॉलेज 245, रामजस कॉलेज 245 डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज जीजस मैरी कॉलेज 241, तो आप देख सकते हैं देशबंधु कॉलेज 235। तो इस तरह आपको एक आइडिया मिलेगा कि कॉलेज का प्रेफरेंस कैसे रखना, कौन से कॉलेज टॉप कॉलेज हैं और कितने पे मिल सकते हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी को आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट स्कोर 275 है, हाईएस्ट स्कोर 285 है, और इसी के साथ हम देखेंगे कि लोएस्ट स्कोर आपका कितना रहेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो लोएस्ट स्कोर है 209 है। अगर आपका स्कोर 210 से अबव है तो आप जरूर अपने प्रेफरेंस में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इंग्लिश डिपार्टमेंट को चूज कर सकते हैं, एमए इंग्लिश में। इसी के साथ हम देखेंगे कि ओबीसी का कितना कट ऑफ किया था। तो ओबीसी का अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए, ओबीसी का जो कट ऑफ लिस्ट था उसमें 266 हाईएस्ट स्कोर था और हिंदू कॉलेज के लिए पहला प्रेफरेंस था, हिंदू कॉलेज के लिए दूसरा है, फिर किरोरीमल कॉलेज के लिए तीसरा है, मिरांडा हाउस के लिए जो है चौथा प्रेफरेंस है। उसी के साथ देख सकते हैं आपकी ओबीसी के लिए लोएस्ट स्कोर जो था वो था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 174 पे भी एडमिशन हुआ है। साथ में ही लास्ट अगर देखा जाए लिस्ट के लास्ट में 166 जो था लोएस्ट स्कोर था। और साथ में ही आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जो लिस्ट है ये पहला लिस्ट था जो कि डीयू के द्वारा, इसके बाद 2-3 लिस्ट और आते हैं जैसे ही यहाँ पे वैकेंट सीट होती है उस हिसाब से लिस्ट आती है। तो आप मतलब 5 नंबर इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका नंबर 160 के आसपास भी है तो भी आप डीयू को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। वहीं एससी कैटेगरी का हाईएस्ट स्कोर था 247 और लोएस्ट स्कोर इनका था 142। तो लोएस्ट स्कोर था 142, हाईएस्ट स्कोर था वो 247। तो अगर आपका 142 से अबव है या 135 है फिर भी आप अपने प्रेफरेंस में और डीयू में अपना सीएसएएस पोर्टल पे जाके आप कॉलेज अपना रजिस्ट्रेशन करें जिससे कि आपको कॉलेज अलॉट हो सके। देख सकते हैं 142 पे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश मिला है, आर्ट फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश है। एसटी कैटेगरी का देखेंगे तो 204 हाईएस्ट स्कोर था और लोएस्ट स्कोर जो था 156। अगर आपका स्कोर 156 से ऊपर है और आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपने प्रेफरेंस में जरूर डीयू को डालें। इसके साथ ही अगर आपका स्कोर इसके बीच है तो आप इसके साथ ही आप जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी को भी जरूर अपने प्रेफरेंस में रखें, बीएचयू को रखें जो आपके घर के आसपास हो या आपके स्टेट में हो जिससे कि आपको एक बेटर ऑप्शन मिलेगा और साथ में ही आपको इजीली जो है आपका डे टू डे लाइफ में भी बहुत इजी से आप कॉलेज को अटेंड कर सकते हैं। साथ में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ था वो हाईएस्ट मार्क्स 206 था और लोएस्ट मार्क्स 152 था। तो दोस्तों ये थी इंग्लिश की कट ऑफ लिस्ट जो कि डीयू द्वारा पहली लिस्ट रिलीज की गई थी। साथ में ही आपका कितना स्कोर है कमेंट बॉक्स में बताएं।